हेलो फ्रेंड्स, निशा नीलूज फ्रेश पीस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम तेल से बना हुआ है। अचार बहुत ही खट्टा मीठा और साथ ही बहुत चटपटा भी है। इसे आप पराठा या पूरी किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कटा हुआ आम। मैंने रामकेला आम यूज करा है, आप कोई भी आम यूज कर सकते हैं। मसाले के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 100 ग्राम राई, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, आधी कटोरी नमक लिया है मैंने, नमक स्वाद अनुसार होगा। इसमें हम अलग से तड़का लगाते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 से 4 चम्मच तिल का तेल, 2 चम्मच सरसों के दाने और हींग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का खट्टा मीठा अचार। ये मैंने कटे हुए आम को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हम एक टॉवल पे 10 से 15 मिनट के लिए हवा में रख देंगे, जिससे कि इसका पानी निकल जाए, और उसे आप बाद में एक बाउल में रख लेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे से मिला लेंगे। जब तक इसमें हल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है, हम राई को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। ये देखिए, राई हमारी बिल्कुल बारीक पीस गई है। अब इसे हम आम में मिला लेते हैं। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हमें रात भर के लिए छोड़ देंगे इसी के अंदर, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। ये बहुत कम मसालों से बनने वाला बहुत ही टेस्टी अचार होता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। अब इसे आप एक प्लेट से ढककर रात भर के लिए रख दीजिए। ये देखिए, आम ने अपना पानी छोड़ दिया है और मसाले भी आम में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब हमें आम के पीसेस को अलग करना है और मसाले को और इसके रस को इसी में छोड़ देंगे। सारे पीसेस को हम बिल्कुल अलग कर लेंगे और मसाला इसी में रहना चाहिए। ये देखिए, आम के सारे पीसेस हमने अलग कर लिए हैं। अब ये मसाले को हम गाढ़ा होने के लिए धूप में 7 से 8 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा गाढ़ा हो गया है, देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें हम आम के पीसेस को मिक्स कर लेते हैं। आम के पीसेस को, सभी पीसेस को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और अच्छे से इसमें मिक्स भी हो गया है। हमारा अचार करीब तैयार ही है। अब इसमें हमें सिर्फ तड़का लगाना है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम तिल का तेल डाल लेंगे। अब इसमें सरसों के दाने डालेंगे। अब इसमें हींग डाल देते हैं। अब ये आम का अचार इसमें डाल के हम अच्छे से तड़का लगा लेंगे। ये देखिए, अचार कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे कम से कम तेल में ही बनाना है, जितना तड़के मारने के लिए तेल की जरूरत है सिर्फ आपको उतना ही तेल डालना है। हमारा आम का अचार रेडी है। आप इसे किसी भी कांच की बॉटल में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये पूरे साल चलेगा, खराब नहीं होगा।